हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। इसमें बेसिकली सिमिलरिटी फिगर्स के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आपने कॉन्ग्रुएंसी फिगर के बारे में तो पढ़ा ही होगा, और इसमें ज़्यादातर सिमिलरिटी फिगर्स के बारे में आएगा। पहले समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटीज में क्या डिफरेंस होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। के कॉन्ग्रुएंसी फिगर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, ट्रायंगल की बात हो रही तो ट्रायंगल ले लेते हैं। मैंने ये दो ट्रायंगल बनाए, ठीक है, नेमिंग कर देते हैं कि ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी फिगर में क्या होता है कि एक तो इनके एंगल इक्वल होंगे, तो लिख लेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंसी फिगर्स की, इनकी साइड्स बराबर होती है। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर इस ट्रायंगल को उठा के मैं इसके ऊपर रख लूँ तो ये इसके बिल्कुल बराबर होगा, यानी कि पीछे के जो नीचे वाला वो नहीं दिखेगा। ठीक है, इसको भी राउंड डाउन कर देते हैं तो इसके साइड हो जाएंगे बराबर, ए बी ये इसके बराबर, डी ई के बराबर, ए सी हो जाएगा डी एफ के बराबर एंड बी सी हो जाएगा ई एफ, सॉरी बी सी, बी सी हो जाएगा ई एफ के इक्वल। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी फिगर के बारे में अभी हमने डिस्कस करा। और जो इसमें आता है सिमिलरिटी फिगर, इसमें भी हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए कि पता चल रहा होगा कि दोनों फिगर दिखने में तो सेम है बट इनका साइज क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी ई एफ। इसकी पहली प्रॉपर्टी तो यही है जैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर की होती है कि इनके एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल ए बराबर होगा इसके, बी होगा इसके बराबर और सी होगा इसके बराबर। तो इसको राइट डाउन कर लेते हैं तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है सिमिलरिटी की, इसकी ये है कि इसके साइड साइड का साइड बराबर नहीं होती है बट इनके साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। साइड का रेशियो यानी ए बी अपॉन डी ई। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लेते हैं, इसका साइड का रेशियो हो गया ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, डिफरेंस दिख रहा है आपको, कॉन्ग्रुएंसी फिगर में एंगल तो बराबर होंगे और साइड भी बराबर होंगे, सिमिलर फिगर में क्या होगा एंगल बराबर होंगे बट इनके साइड का रेशियो बराबर होगा यहाँ पे, ना कि साइड बराबर होंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए कॉन्ग्रुएंट फिगर आपको अच्छे से समझ आएगा, इसको एक बार देख लें। जैसे दो ट्राइंगल है, अभी इसकी डेफिनेशन बताई थी, सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, कि नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें इनके एंगल भी बराबर होते हैं, यानी अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये अगर 70 डिग्री है, ठीक है, तो ये भी 70 डिग्री होगा। ठीक है, और ये 50 डिग्री होगा। 50 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल के एंगलों का सम जो होता है 180 होता है, तो 70 प्लस 60 130 प्लस 50 इक्वल टू 180, एंगल इनके बराबर होंगे और इनका जो साइड होगी वो भी इक्वल होगी। सपोज दैट ये अगर 2 है, ये 3 है और ये 4, तो ये भी 2 3 एंड 4, यानी कह सकते हैं एंगल ए
इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 50, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है, और इनके साइड क्या है, बराबर है, तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू टी ई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर या मीटर जो भी होता है, ठीक है। वैसे बी सी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये होती कॉन्ग्रुएंट की, ठीक है। वहीं सिमिलर की बात करें तो सिमिलर में मैंने बताया कि इनकी साइड का रेशियो बराबर होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए ट्रायंगल बनाया, ठीक है, पी क्यू आर एक्स वाई एंड जेड, एंगल तो इनके बराबर होंगे, आपको पता ही होगा 60 70 एंड 50, 70 60 एंड 50, और साइड का रेशियो का देखते हैं, ठीक है। साइड इस छोटी वाले ट्रायंगल के साइड है, सपोज दैट 4 5 एंड 6, ठीक है, इसकी है 8 10 एंड 12, ठीक है। एंगल बराबर होंगे, पी इक्वल टू एंगल एक्स इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल वाई इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल आर इक्वल टू एंगल जेड इक्वल टू 50 डिग्री, और इनके साइड का रेशियो इक्वल होता है, साइड हो जाएगी पी क्यू अपॉन एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू पी क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर और एक्स वाई है 8, तो 4 × 4 = 8, तो इसके कितना है 1/2। ये अगर पी आर अपॉन एक्स जेड का देखे तो ये हो जाएगा पी आर है 6 और एक्स जेड है 12, तो ये इक्वल टू 1/2, ठीक है। वहीं अगर क्यू आर अपॉन वाई जेड देखे तो 5/10 हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/2, तो इनके साइड का रेशियो क्या आ रहा है 1/2 यानी इक्वल, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में। कॉन्ग्रुएंट फिगर आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसमें ज़्यादातर सिमिलर फिगर के बारे में आएगा। अगली वीडियो में आपको बीपीटी थ्योरम के बारे में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।